जनपद में 24 जुलाई को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पूर्व राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले निषाद महाकुंभ को लेकर समाज सेवी घनश्याम दत्त निषाद ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए गोरखनाथ की तपोस्थली दिग्विजयनाथ पार्क नौका विहार पर 24 जुलाई को निषाद महाकुंभ आयोजित हो रहा है, जिसमें 3 मंडल के निषाद समाज के लाखों लोग आएंगे, जिसमें आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि बीते कई वर्षों से सभी पार्टियां जब चुनाव आता है तब मछुआ समाज को अनुसूचित जाति का लाभ दिलाने का वादा करती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपना वादा भूल जाती है। उन्होंने कहा जो निषाद नेता है वो अपने राजनीतिक लाभ के चक्कर में समाज के हक व अधिकार की बात सरकार में रहते हुए नहीं कर रहे हैं। इस निषाद महाकुंभ के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद जय प्रकाश निषाद होंगे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए समाज सेवी घनश्याम दत्त निषाद ने कहा, आज गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद महाकुंभ का आयोजन 24 जुलाई को हो रहा है, उसी के संबंध में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हम समाज के लोगों से चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस महाकुंभ में आकर के अपने समाज के समस्याओं के निदान के लिए, अपने समाज के ऊपर हो रहे उत्पीड़न से बचाव के लिए, शासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए और शासन से जो सामाजिक मुद्दे हैं, वैधानिक मुद्दे हैं, उनको हल कराने के लिए संघर्ष करने और पुनः आगे संघर्ष करने के लिए रणनीति बनाकर संघर्ष करने की योजना बनाने के लिए है। अध्यक्षता में ये आज का ये जो कार्यक्रम प्रेस वार्ता, तो ये तो मेरे घनश्याम दत्त निषाद मेरे अध्यक्षता में है, लेकिन जो वहाँ का कार्यक्रम है वह जय प्रकाश निषाद जी की अध्यक्षता में होगा। इसमें 3 मंडल से लोगों को बुलाए गए हैं, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल से। इन 3 मंडल से समाज के सचेतक, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और समाज के ऐसे लोग जिन लोगों ने दसियों वर्षों से समाज के आरक्षण की लड़ाई में हमेशा संघर्ष करते आए और आज तक उनके संघर्षों का परिणाम नहीं मिल सका, ऐसे स्थिति में वह सारे लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और प्रदेश के अन्य जनपद से भी समाज के अच्छे जो सचेतक है, समाज के हित में सोचते हैं, समाज के हित में संघर्ष करते हैं, वह सारे लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इसमें लगभग लाखों लोगों की उपस्थिति होगी और लाखों लोग इस महाकुंभ में उपस्थित होकर के शासन को ये बताने का काम करेंगे कि अब हम किसी नेता के बहकावे में आकर हम आपको या आपकी पार्टी को वोट देने का काम नहीं करेंगे, बल्कि अब हम उसी पार्टी उसी नेता के साथ रहेंगे जो पार्टी जो नेता हमारे समाज के वैधानिक अधिकार को देगी। क्या इसमें राजनीतिक दल भी शामिल होंगे? राजनीतिक दल के लोगों के लिए मानक हम रखे हैं, जो व्यक्ति जो नेता अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके सामाजिक हित के लिए हमारे मंच पर आना चाहते हैं उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन जो नेता अपने राजनीतिक दल की खासियत या किसी भी राजनीतिक दल का विरोध मात्र करने के लिए हमारे मंच पर आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे मंच पर प्रतिबंध है। जी, घनश्याम दत्त निषाद, राष्ट्रीय संयोजक, माता सावित्री बाई फूले, शिक्षा संस्कार मिशन।